ये बिल्डिंग को हमने 2018 में नोटिस दिया था कि ये बिल्डिंग अनधिकृत है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब तक के कॉरपोरेशन इनको 28 नोटिस दे चुका है। में जब सुदाम यादव साहब थे कुर्सी पर, तो उन्होंने हमको ये कार्रवाई में 9 महीना लगा दिया सिर्फ पानी पावर काटने में। ये बिल्डिंग इनको पता है कि पूरी इलीगल है। वो हमारे पर एलिगेशन लगाते कि हम पैसा लेने के लिए कर रहे हैं या हमको इतना पैसा चाहिए। उनको खुद कार्रवाई नहीं करनी, वो खुद लेके बैठ चुके थे। उनके अंडर में हर चीज है कि बिल्डिंग तोड़ना है नहीं तोड़ना है, क्या करना है, आपके आपके रहते हुए यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा कैसे। स्टाइल योरसेल्फ विद आउटफिट्स फ्रॉम द फैशन फैक्ट्री। भिवंडी की फेमस लास्ट चॉइस इन कंपनी की दूसरी ब्रांच द फैशन फैक्ट्री, जहां आपको मिलेंगे ढेरों ऑप्शंस अपने आउटफिट के लिए। यहां आपको टी शर्ट मिलेंगी सिर्फ ₹99 में और ₹1000 में मिलेंगी 3 शर्ट्स, और इतना ही नहीं ₹500 में जीन्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड फरीद मार्केट के पास ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय। हेलो फ्रेंड्स, लाइव इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के फातिमा नगर इलाके में, नायगांव और गायत्री नगर रोड पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो मेरे पीछे कैमरे के देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है महानगर पालिका ने इसे अनधिकृत करार देते हुए अभी फिलहाल यहाँ पर पावर कनेक्शन और पानी कनेक्शन इस बिल्डिंग का काट दिया गया है। इस बिल्डिंग में देखिए आप किस तरह से अनमोल होटल है और उसी के ठीक बगल में अनमोल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में पेशेंट होने की वजह से सिर्फ वहाँ पर नोटिस देकर इसे खाली करने को कहा गया, मगर यहाँ पर होटल की तरफ अब जब आएंगे तो होटल में एक बड़ी कार्रवाई की गई है कि यहाँ पर जो पावर कनेक्शन था और पानी कनेक्शन ये सब काट दिया गया है और इसे नोटिस दे दी गई है कि इसे जल्द खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग अनधिकृत है जिसे डेमोलिश करना है। अब वो देखने वाली बात यह है कि ये डेमोलिश कब होती है और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई कब होती है। अर्जीदार ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या बताया और प्रभाग समिति एक के सह आयुक्त उन्होंने हमारे से चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, पूरा मामला आइए उन्हीं से सुनते हैं। ये बिल्डिंग को हमने 2018 में नोटिस दिया था कि ये बिल्डिंग अनधिकृत है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो कॉरपोरेशन ने 2018 से इनको नोटिस दे रहा है। अब तक के कॉरपोरेशन इनको 28 नोटिस दे चुका है। हर नोटिस में ये लिखा रहता है कि आपका बिल्डिंग अनधिकृत है, आपके पास जो भी पेपर है वो लेके आओ। आपको 7 दिन का टाइम दे रहे, आपको 24 घंटे का टाइम दे रहे, आपको 2 दिन का टाइम दे रहे, ये सारे टाइम इनको मिलते गए, वो भी पॉलिटिशियन के सपोर्ट से। हमने 2018 में 4-5 नोटिस दी, उसके बाद भी हमारी कार्रवाई रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि पॉलिटिशियन का इनको अच्छा खासा सपोर्ट है, इनका बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का बहुत अच्छा है। उसके बाद 2019 में गए, 2020 में गए और 2021-22 में आपको पता है लॉकडाउन था। 2023 में जब सुदाम यादव साहब थे कुर्सी पर, तो उन्होंने हमको ये कार्रवाई में 9 महीना लगा दिया सिर्फ पानी पावर काटने में। ये बिल्डिंग इनको पता है कि पूरी इलीगल है। वो हमारे पर एलिगेशन लगाते कि हम पैसा लेने के लिए कर रहे हैं या हमको इतना पैसा चाहिए। उनको खुद कार्रवाई नहीं करनी, वो खुद लेके बैठ चुके थे। ठीक है, अभी तो उनका जो होना था वो हो गया है। अभी हम लोग ने 14 नोटिस निकाले इसी बिल्डिंग को कि ये बिल्डिंग अनधिकृत है, इलीगल है, अब इस पर कार्रवाई करो। हर बार हमारे को बाहर बिठा के 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट कराते थे, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर उन्होंने ये बोल दिया लास्ट में आकर हमें कि आपका काम यहाँ पर नहीं होगा, आप हाईकोर्ट जाओ। ये किसने कहा? ये हमको प्रभाग अधिकारी के वार्ड कमेटी 1 के सुदाम यादव साहब ने कहा था। अच्छा। तो मैंने कहा ये आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए, अगर आप ये कार्रवाई नहीं करते, आप यहाँ ये बॉडी क्यों है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉडी भिवंडी में क्यों है? उनके अंडर में हर चीज़ है कि बिल्डिंग तोड़ना है नहीं तोड़ना है, क्या करना है, आपके रहते हुए यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा कैसे, सबसे पहला सवाल तो ये है। लेकिन वो सब हम छोड़ देते हैं,
हम इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात करते हैं जिस पर आज पानी पावर खंडित करने की कार्रवाई चालू है। तो आप लोगों ने क्यों बोला कि ये बिल्डिंग इलीगल है? इस पर हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी लिटिगेशन चालू है 2009 से, और उसका हमारे पास स्टे वो कोर्ट का सिविल ऑर्डर भी है हमारे पास, उस पर हम कार्रवाई चल रहे हैं। हमने इनको खरीदी खत में दोस्ती यारी में दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक पेमेंट नहीं दिया। इनके ऊपर हमारा 138 का 32 लाख रुपए का चेक बाउंस का केस भी चालू है हमारे भिवंडी न्यायालय में। तो ये आज की क्या हुआ? आज हम ये मेन मसला यहाँ पे हमारा क्या लेना देना, इनका लेना नहीं। भिवंडी में कोई भी बिल्डिंग इलीगल रहेगी हम उस पर नोटिस मारेंगे, क्योंकि ये हमारे शहर के डेवलपमेंट की बात है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी का पर्सनल मैटर है, किसका भी कुछ भी हो। आज आप देख रहे हो हमारे रोड को कितनी तकलीफ है। फिलहाल महानगर पालिका ने, कमिश्नर साहब ने हमको बहुत सपोर्ट किया, दीपक जिज्जार साहब ने हमको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि प्रभाग वन वाले कुछ काम नहीं कर रहे थे, उनका प्रेशर आने के बाद इतना काम हुआ है। आज हम सुबह जब इंगोलकर साहब के पास गए तो वो हमसे मिलने को तैयार नहीं थे। उनको पता है हमारा नाम, उनको पता है हमारा मैटर क्या है, लेकिन आज हम फिर जब DCP साहब के पास हम लोग ये मैटर लेके गए, आज के साहब हमको 3 बार रिजेक्ट हो गया है। आपके पास से परमिशन आता है, लेकिन आपका शांतिनगर पुलिस स्टेशन हमको देता नहीं है परमिशन। तो आज DCP साहब ने हमको ये परमिशन दिलाया, और जिंजार साहब कमिश्नर साहब ने हमको ये फिलहाल यहाँ पे खाली पानी पावर खंडित करेंगे कि जी पानी नहीं नहीं हॉस्पिटल है तो कहता पानी पावर खंडित कर देंगे। पहले हमारा कॉर्पोरेशन ये चाहता है कि यहाँ हॉस्पिटल है, पेशेंट्स होंगे। पानी पावर अगर खंडित हो जाता है तो कैसा है, पेशेंट जो है वो IGM में शिफ्ट हो जाएंगे, या जो भी रहेंगे जो जगह परफेक्ट रहेगी वो चले जाएंगे, क्योंकि लाइट और पावर रहेगा नहीं तो कोई पेशेंट रुकेगा नहीं। आफ्टर 10 डेज वी विल डेमोलिश द बिल्डिंग। ये जो ऑर्डर है ये हाईकोर्ट का है कि महानगर पालिका का है। और इसमें सर बहुत सारे पॉलिटिशियन इनको सपोर्ट किया, वरना अब तक कोई गरीब की अगर ये प्रॉपर्टी रहती। कौन पॉलिटिशियन है, थोड़ा नाम बताइए। नहीं नहीं बहुत सारे पॉलिटिशियन है सर, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो सपोर्ट करते। ये सर सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये कि गरीब मजलूम की है। आज मैं 10 साल से हमारा मैटर चालू है साहब, आज मैं वकील बनने आ गया सर, मेरा 6 महीने में मेरी वकील की डिग्री आ जाएगी। मेरे को जब थोड़ा नॉलेज हुआ कि क्या होता है क्या, तो मैं आज ये कार्रवाई कर रहा हूँ, वरना कौन पूछता किसी गरीब को, कौन पूछता किसी गरीब को। एक गरीब आदमी क्या करेगा अगर उसको कोई खा के बैठ जाता। भिवंडी में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो करते हैं ऐसा, अभी भी ये लोग स्टे के लिए दौड़ रहे। लीजिए स्टे, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, अगर ये हाईकोर्ट से कुछ करेंगे तो मैं इसको सील कराऊंगा। इस पर सर स्टे ऑर्डर है, मैं आपको 2010 का PB सावंत साहब का थाने सेशन कोर्ट का जजमेंट है, जब 2009 में होटल सील था उसमें जजमेंट में ये लिखा है कि ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, ये प्रॉपर्टी के नेचर ऑफ बिजनेस बदली नहीं किया जा सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी अगर कोई बेचता है, जो वाहिद चौधरी है, अगर वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 10 लाख रुपए JMFC में फाइन भरना पड़ेगा। ये सेशन कोर्ट का 2010 का ऑर्डर है मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉपर्टी उसने 2 करोड़ 2 लोगों को बेचा 2-3 लोगों को। सर इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ बिल्डिंग बन गई, एक हॉस्पिटल है ऊपर, और कई सालों से यहाँ होटल चल रहे हैं, तो इसमें सब में जो मिली भगत है वो आप किसको कसूरवार ठहराना चाहेंगे? ये हमारे भिवंडी के बहुत सारे नगर सेवक, बहुत सारे दलाल, अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। एक जान है वो लेगा, लेकिन सब दलाल है, जिसको अच्छा लगे बुरा लगे ठीक है, लेकिन आप लोग जब जिसके पास पैसा है उनके तरफ है आप लोग, ये हर कोई जानते हैं। गरीबों का कुछ नहीं होने वाला, हम अल्हम्दुलिल्लाह बोल लिए, आज हथौड़ा चल गया, भले इनको कल स्टे मिल जाए, परसों स्टे मिल जाए, कुछ भी हो जाए, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हमारा हक लेंगे, कैसे लेना है। और हम मैं आम आदमी लोग को भी अपील करूँगा, आप लोग डरिए मत, आगे आइए, कभी भी किसी से भी मसला हो तो सबको इंसाफ होगा, इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। अब्दुल वाहिद अब्दुल लतीफ चौधरी, मूल मालक, मालमत्ता क्रमांक 2800/13, यूनुस मोइनुद्दीन परमगट्टे वेली, अब्दुल्ला मोइनुद्दीन परमगट्टे वेली, श्री मोहम्मद जुनेद समीम अहमद मोमिन, बद्र आलम निसार अंसारी, कुतुबुद्दीन जमरुल्ला अंसारी, ठीक है, मोहम्मद जुनेद समीम अहमद मोमिन, बद्र आलम निसार अंसारी, कुतुबुद्दीन जमीरुल्ला अंसारी, मौजे नागांव, मालमत्ता क्रमांक 2813, बिगर परवाना रीत बांधकाम इन्होंने किया था, उसको तोड़ने के नोटिस हमने 5/2/2020 से इनकी कार्रवाई चालू थी, और आज हमने उनको 24 घंटा पहले नोटिस दे के तोड़ने की कार्रवाई चालू की पुलिस बंदोबस्त लेके। नहीं बिल्डिंग डिमोलिश करेंगे, आज आपने जो कार्रवाई थी उतना किए, कल की बिल्डिंग तोड़ने की कार्रवाई चालू करेंगे। मतलब ये जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू कंटिन्यू।